दोस्तों 30 मार्च 2024 का दिन था। देहरादून से सहारनपुर जाने वाले हाईवे पर के पास एक जगह पड़ती है आशा खाड़ी। आशा खाड़ी जो जगह है वो काफी सुनसान और जंगल से भरा एरिया होता है। वहीं पर देहरादून पुलिस के मुताबिक 25 से 30 वर्षीय लड़की की लाश एक बड़े से बैग में पड़ी मिलती है। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आरके। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 24 साल की लड़की की एक दर्दनाक मौत की कहानी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा और आपका रिश्ता जुड़ा रहे। दोस्तों बात इसी साल 29 जनवरी 2024 की है। हरिद्वार से देहरादून थाने में एक फैमिली आती है 24 साल की शहनूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोस्तों परिवार वालों के मुताबिक जो है जो शहनूर होती है वह हरिद्वार से आती है और देहरादून में एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी कर रही होती है। दोस्तों बात इसी साल के शुरुआत की है, 29 जनवरी 2024 का वह समय था। हरिद्वार से देहरादून थाने के लिए एक परिवार आता है जो जिसमें जो है 24 साल की शहनूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है। परिवार के मुताबिक जो है शहनूर एक देहरादून में रह करके जो है ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती थी और शहनूर से लगभग 10 से 15 दिन में वह घर पर बात किया करती थी। लेकिन इस बीच 1 महीने से ऊपर हो गया है, शहनूर की ना तो कोई खबर मिली है और ना ही कोई फोन आया है। दोस्तों जो देहरादून पुलिस होती है परिवार वालों के मुताबिक जो है उनकी रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है। शुरुआती जांच में दोस्तों शहनूर जहां पर जॉब कर रही होती है देहरादून के जिस पार्लर में, सबसे पहले पुलिस वहीं जाती है। वहां शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि जो शहनूर होती है वो 26 दिसंबर 2023 से ही नौकरी पर नहीं आई है। यानी कि जो 26 दिसंबर है, यूं मान लो कि 26 दिसंबर से जो है शहनूर का कोई अता पता नहीं होता है। यह बात मालूम होती कि जो शहनूर होती है वो जहाँ पे घर लेके रेंट पे रह रही होती है वहाँ का पता पुलिस को चल जाता है। बस उसके बाद जैसे ही पुलिस विभाग की जो टीम होती है ये शहनूर के पते पर पहुंचती है, बात सामने आती है। दोस्तों वहां बताते हैं कि शहनूर यहाँ से कमरा छोड़कर जा चुकी है। कुछ साल पहले जो है शहनूर यहाँ पर रहती थी, लेकिन बीच में उस शहनूर जो है देहरादून के ही सांस्कृत विहार कॉलोनी की में ही एक कमरे पर रेंट पे रह रही होती है। तो अब जो देहरादून पुलिस होती है अब वह सांस्कृतिक विहार कॉलोनी पहुंचती है शहनूर और राशिद की तलाश में। लेकिन दोस्तों जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है वहां भी कुछ खास जानकारी पुलिस को नहीं मिलती है। वहां के ओनर बताते हैं कि ये जो शहनूर और जो राशिद होते हैं यहाँ से वो काफी साल पहले जो है छोड़ करके जा चुके हैं। इस बात को सुनकर जो है पुलिस को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। सबूत आते आते जो है हाथ से निकल जाता है। लेकिन अब पुलिस करती तो क्या करती, पुलिस जो है अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है, शहनूर की काफी तलाश करती है। कई जगह जो है अपने मुखबिरों के माध्यम से खबर मिलती तो छापा डालते, लेकिन जहां भी जाती जहां भी छापा डालती तो पुलिस के जो हाथ होते हैं वो खाली ही रह जाते हैं। फिर एक दिन जो देहरादून पुलिस होती है वो देहरादून के सांस्कृतिक विहार कॉलोनी का सीसीटीवी फुटेज जो है खंगालती है। उसमें जो है राशिद की तस्वीर लेकर के उन अपने मुखबिरों को एक एक फोटो सबको भेज दी जाती है और साथ ही आसपास के सभी थानों में राशिद की फोटो भेज दी जाती है। अब पुलिस का पूरा फोकस जो है राशिद की तरफ हो चुका होता है। धीरे धीरे इस बात को लगभग 3 महीने गुजर जाते हैं। अब देहरादून पुलिस जो होती है हर संभव कोशिश करने के बाद हार थक जाती है। उधर जो राशिद होता है अपना कुछ सामान सांस्कृतिक विहार कॉलोनी में भूल गया होता है। तो 30 मार्च 2024 को वह सांस्कृतिक विहार कॉलोनी लौटता है। इसी बीच वहां पे तैनात एक मुखबिर ने जो है देहरादून पुलिस को इनके आने की सूचना दे दी। जो देहरादून पुलिस होती है तत्काल जो है अपने एक टीम के साथ जो है सांस्कृतिक विहार कॉलोनी पहुंचकर राशिद को हिरासत में ले लेती है और उसको थाना देहरादून ले आया जाता है। अब जो राशिद होता है वह देहरादून पुलिस के हिरासत में होता है। जब पुलिस उससे कहती है कि शहनूर कहाँ है तो पहले तो जो राशिद होता है वो कहता है मुझे किसी शहनूर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद ही जो है पुलिस का वो टॉर्चर सह नहीं पाता है और कहता है कि चलो मैं दिखाता हूँ शहनूर कहाँ है। इतना कहने पर पुलिस जो है राशिद को एक गाड़ी में बिठाती है या सभी एक पुलिस वैन में बैठते हैं और देहरादून से सहारनपुर तरफ आने वाले हाईवे की तरफ चल देते हैं। गाड़ी कुछ देर आगे बढ़ती है, करीब 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ पे सहारनपुर के पास एक जगह पड़ती है आशा खाड़ी नाम की। वहाँ पे काफी जंगल और वह रास्ता सुनसान होता है, वहाँ पे एक कच्चा रास्ता होता है। राशिद जो होता है वहीं पर गाड़ी रुकवाता है।
दोस्तों पुलिस बाइक जैसे ही कच्चे रास्ते पर रुकती है और राशिद और पुलिस जो होती है वो दोनों उतर लेते हैं। राशिद आगे आगे पैदल चल रहा होता है और पुलिस वाले जो होते हैं वो उसके पीछे पीछे जो है कच्चे रास्ता पर चल रहे होते हैं। राशिद कुछ दूर आगे सन्नाटे में बढ़ता है और एक बाइक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो रही शहनूर। राशिद के मुंह से यह सुनते ही वहां पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी सन्न रह जाते हैं और वह सोचते हैं कि जिस शहनूर की तलाश वह 3 महीने से कर रहे हैं उस शहनूर के साथ कोई ना कोई हादसा हो चुका है और हमारी जो तलाश है शायद आज खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे जो पुलिस वाले होते हैं बैग के पास पहुंचते हैं और बैग की जब चेक खोलते हैं तो 3 महीने से लापता शहनूर जो है कंकाल के रूप में उस बैग में मिलती है। दोस्तों यह देखकर पुलिस वाले बहुत हैरान रह जाते हैं और उसके बाद जो है उस बैग को अपने अंडर ले करके नजदीकी जो है मुर्दाघर भिजवा देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। और इस बात की सूचना शहनूर के माता पिता जो हरिद्वार में रहते हैं उनको दे देते हैं और वो लोग जो है लाश की शिनाख्त करने के लिए मुर्दाघर पहुंचते हैं। दोस्तों जो शहनूर के माता पिता होते हैं जैसे ही लाश को देखते हैं वह तुरंत पहचान जाते हैं क्योंकि निशानियों के आधार पे वह अपनी बेटी को पूर्ण रूप से पहचान लेते हैं और उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों हर माता पिता के लिए अपनी जवान औलाद को खोने का जो पीड़ा होती है वो वही लोग जान सकते हैं। अब देहरादून पुलिस राशिद से शहनूर की मौत की वजह के बारे में जानते हैं तो जो राशिद होता है वह बताता है कि बात साल 2018 की है। वह अपने फोन से एक नंबर मिला रहा था और वह गलती से द्वार के रहने वाली शहनूर के पास उसकी कॉल जा लगती है। दोस्तों जैसे ही शहनूर फोन उठाती है तो राशिद को उधर से जवाब मिलता है कि आपका जो नंबर है वह रोंग नंबर है, ठीक है, और यह कहकर शहनूर फोन काट देती है। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है दोस्तों कि जो राशिद होता है शहनूर की आवाज उसे इतनी पसंद आ जाती है कि वह जो है दोबारा उसी नंबर पे कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद जब शहनूर फोन उठाती है तो राशिद उससे कहता है कि इस बार हमने जानबूझकर कॉल करी है। तो जो शहनूर होती है कहती है कि आप क्यों कॉल किए हैं ये बताएं जरा। तो राशिद जो होता है वो शहनूर से कहता है मुझे आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगी। और धीरे धीरे कुछ और बातें होती हैं, धीरे धीरे पता चलता है कि वो घंटों घंटों तक बात किया करते थे। दोस्तों उसी दिन से राशिद और शहनूर जो होते हैं आपस में लगातार घंटों घंटों बात किया करते थे। शहनूर जो होती है वह हरिद्वार के देहरादून में जो है नौकरी के सिलसिले से एक प्राइवेट पार्लर में नौकरी किया करती थी और राशिद जो होता है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहता है। और देहरादून की जो दूरी होती है वो कम से कम सिर्फ और 2 से 3 घंटे की होती है। इसी बीच जो है धीरे धीरे इनका प्यार जो है इनको इनको आपस में प्यार हो जाता है और इनकी जो बात होती है घंटों की बजाय जो है 2-2, 3-3 घंटे होने लगती है। लेकिन कुछ समय और बीतता है तो जो सहनूर होती है वह देहरादून में अपने घर पे किराए पर लेकर के रहती होती है। तो एक दिन जो राशिद होता है देहरादून जो है सहनूर से मिलने के लिए जाता है और जब वह पहुंचता है तो राशिद और सहनूर जो है एक ही कमरे में एक ही बेड पर जो है रहते हैं जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है। देखते ही देखते सुबह होती है और जो राशिद होता है अब उसका वहां से आने का मन नहीं कर रहा होता है और या यूं कह लो जो सहनूर होती है वो भी राशिद की आदी हो चुकी होती है। और सहनूर राशिद से कहती है अब तुम यहीं रुको अब वहां मत जाओ और राशिद भी उससे बहुत प्यार करने लगता है। दोस्तों जहाँ वो पहले रह रहे होते हैं वह कमरा छोड़ देते हैं और देहरादून की सांस्कृतिक विहार कॉलोनी में रहने चले जाते हैं। वहीं पर राशिद और सहनूर जो है लिव इन में रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ वक्त बीतता है और दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन जो सहनूर होती है वो पार्लर की जॉब कर रही होती है उसमें जो है टाइम बे टाइम सहनूर का आना अब राशिद को खलने लगा था। कुछ वक्त और बीतता है तो यह जो सहनूर का टाइम होता है यह राशिद को खलने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सहनूर और राशिद में झगड़े शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे राशिद का इसका बुखार और कम होता है तो जो है झगड़े और बढ़ जाते हैं। राशिद और सहनूर के जो झगड़े की मेन वजह होती है वो होता है सहनूर के पार्लर का टाइम पे टाइम आना और दूसरी वजह अब राशिद का शक भी बनता जा रहा था शहनूर पे। उसे लगता था कि जो सहनूर है वो पार्लर के आड़ में कुछ और भी करती है। दोस्तों 26 दिसंबर 2023 का दिन था। उस दिन जो है शहनूर रात को करीब 2:30 बजे के आसपास घर पहुंचती है और राशिद गुस्से में
घर पे बैठा होता है। जैसे ही शहनूर आती है तो धीरे राशिद और शहनूर में बहस होने लगती है। बहस इस हद तक बढ़ जाती है कि जो है नौबत मारपीट तक की आ जाती है। किसी बात को लेकर के जो शहनूर होती है राशिद को एक थप्पड़ जड़ देती है। यह बात जो है राशिद सहन ना कर सका और उसका जो गुस्सा होता है सातवें आसमान पर आ जाता है और राशिद अपने दोनों हाथों से शहनूर का गला दबोच लेता है। राशिद जो है इतनी जोर से गला दबाता है जब तक शहनूर की सांसें टूट नहीं जाती। दोस्तों उसके बाद जो है शहनूर बेड पर गिर जाती है और राशिद जो है सर पर हाथ रख लेता है, यानी कि उस समय शहनूर मर चुकी होती है और राशिद एक कत्ल कर चुका होता है जो अपने ही लिव इन पार्टनर का कत्ल होता है जिसे वह जान से ज्यादा प्यार कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी थी कि वो शक के आधार पे जुर्म का जन्म हुआ था। होता है बहुत घबरा जाता है और वहां से शहनूर का एटीएम लेकर और उसकी स्कूटी लेकर जो है मार्केट की तरफ निकल जाता है। राशिद मार्केट से शहनूर के अकाउंट से करीब 17,000 रुपये कैश निकालता है और उन्हीं पैसों से जो है एक बड़ा सा बैग खरीदता है और एक रस्सी खरीदकर वह अपने रूम पर आ जाता है। और दोस्तों रात को ही उस बड़े से बैग में शहनूर की लाश को उसी बैग में बंद कर लेता है और चैन बंद कर देता है। इस और सुबह होते ही वह जो है उस बड़े से बैग को शहनूर की ही स्कूटी पर शहनूर की ही लाश को लेकर के सुबह देहरादून से मुजफ्फरनगर की तरफ आने वाले हाईवे पर चल देता है। लेकिन जल्दबाजी में दोस्तों उसका वॉलेट जो होता है उसके रूम पर ही छूट जाता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक सुनसान रास्ता पड़ता है जिसका नाम होता है आशा खाड़ी या सहारनपुर के पास पड़ता है। दोस्तों यह बहुत बड़ा जंगल होता है और यहाँ पे करीब सुनसान जो है होता है और वहीं लाकर जो है उस लाश को यानी कि उस बैग को यानी कि उस शहनूर को उसी जंगल में डंप कर देता है या यूं कह लो अपने जीवन साथी को वहीं पर छोड़कर वह वापस चला जाता है। दोस्तों वह वापस हरियाणा के पानीपत जाता है जहां पर उसकी बहन रहती है और वहीं पर जाकर जो है नौकरी करने लगता है। दोस्तों आज की सच्ची घटना का समय यहीं तक का था। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई घटना के साथ में। लेकिन उससे पहले आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा आपका रिश्ता जो है जुड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों लिव इन रिलेशन पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मैं तो समझता हूँ कि लिव इन जो होता है वो गलत है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर दें।